वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, मीसा भारती का जो बयान है ये वाकई हैरान करता है। बीजेपी को सीधे तौर पर खुली धमकी दे रही हैं, आग बबूला हो रही हैं। ये तो वक्त ऐसा है कि इसमें इनको सौम्यता अपने व्यवहार में रखनी चाहिए थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने से पहले इनको खुद अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 1996-97 में जब चारा घोटाला का उद्भेदन हुआ था तो नरेंद्र मोदी न विशुद्ध राजनीति में तो थे, लेकिन न राज्यसभा के सांसद थे, न लोकसभा के सांसद थे, न मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उस समय वो बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में रहते थे और उस समय एक महासचिव के रूप में काम करते थे। तब से 1996 से लालू परिवार का भ्रष्टाचार से नाता रिश्ता है और 1997 में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए थे। और अब मीसा भारती का ये कहना कि जब हमारी सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता जेल में रहेंगे, ये हास्यास्पद है, क्योंकि आए दिन इन लोगों के खिलाफ और खुद स्वयं मीसा भारती के खिलाफ भी ईडी, सीबीआई सब ने चार्जशीट की है, कई दफ़े उन्हें बुलाया है। या लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, या IRCTC घोटाला हो, या तमाम तरह के घोटाले हों, और ये लोग घोटाले में खुद लिप्त हैं। और इस तरह का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देना चुनाव के वक्त, ये बस लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने समर्थकों के बीच में, बाकी और कुछ नहीं है। और इस पर बीजेपी ने भी प्रहार किया है, कहा है कि चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन जेल के सलाखे के पीछे रहेगा, कौन बाहर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने हमला किया है और ये प्रहार करते हुए कहा कि अमेठी के जनता को गांधी परिवार की जरूरत हुई उस वक्त गांधी परिवार गायब रहा है। बुरे समय में अमेठी से गायब रही है कांग्रेस। आपने क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति देखी है, आप सभी ने गंभीर परिस्थितियों के दौरान कांग्रेस को गायब होते देखा है। जब कोविड आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति लोगों के बीच नहीं देखा गया। हालांकि स्मृति ईरानी का कहना है कि वो खुद गाँवों में घर घर घूम रही थी और जाति के आधार पर वो राजनीति नहीं करती। आप सब ने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सब ने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव गांव घर घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती। मैं जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही। 50 साल एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अमेठी में, गरीब के लिए शौचालय तक नहीं बनवा पाए। और सियासी बयानबाजियों के बीच हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस ऐसी सहमी है कि अब निजी हमले पर उतर आई है। टारगेट बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत है, जिन पर कांग्रेस नेता लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। क्या कंगना रनौत से कांग्रेस डर गई? क्या कांग्रेस को कंगना से हार का डर सता रहा है? कांग्रेस लगातार कंगना को टारगेट क्यों कर रही है? कांग्रेस कंगना के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों फैला रही है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब से बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया है उसके बाद से ही कांग्रेस एंड कंपनी उन्हें घेरने में जुटी हुई है। पहले सुप्रिया शिनेत, फिर बीफ खाने को लेकर ट्वीट, और अब इस लिस्ट में नाम जुड़ गया है कांग्रेस नेता सुंदर ठाकुर का। कांग्रेस नेता सुंदर ठाकुर ने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इलेक्शन फिल्म का प्रमोशन नहीं है,
ये चुनाव मनोरंजन के लिए नहीं है। सुंदर ठाकुर ने बीजेपी से सवाल किए, बीजेपी संगठन में क्या नेताओं की कमी है जो पैराशूट से नेता उतारने पड़े हैं? क्या आपने दो महीने में फिल्म बना दी डिंगा चिका करके, प्रमोशन करके, और आप ट्वीट करके आप मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कहेंगे कि आज मैं आपके बीच में हूँ, आपके अपने हैं। जो जो एक शख्स या जो एक व्यक्ति या एक जो एक आज से बचपन में अगर हिमाचल को छोड़ चुकी हो और उसके बाद हम मानते हैं कि उन्होंने बड़ी शोहरत कमाई है राजनीति सेवा करने के लिए, फिल्में मनोरंजन के लिए होती है, ये इलेक्शन कोई मनोरंजन के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की कंगना के लिए नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, शायद इसके पीछे मंडी में कंगना रनौत की पॉपुलैरिटी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के अब शब्दों को लेकर जब रिपब्लिक भारत ने मंडी के लोगों से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या उम्मीदें हैं आपको कंगना से? क्या उम्मीदें हैं आपको कंगना? कंगना जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमतों से जीत रही है, बहुत भारी बहुमत से। एक कांग्रेस के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई फिल्मी ट्रेलर नहीं है कि कभी आए और चले गए, इस तरह से काम नहीं होता, समाज सेवा करनी पड़ती। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ नेता ही नहीं है। हमारे तो प्रत्याशी यहाँ पर आज स्वागत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं है, तो कांग्रेस कैसे कह रही है उनके पास नेता ही नहीं, वो कैसे बोल सकते हैं? तो आपको लगता है कंगना जी जीतेंगे पक्का? बिल्कुल जी, भारी बहुमत से जीतेगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे? राम स्वरूप जी जिनका निधन हो गया, क्या उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ऐतिहासिक जीत होगी, तोड़ देंगे। कंगना जी मंडी की बेटी, विधायक बंजार विधानसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र। अच्छा सर, आप बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको कंगना जी से? और पहले मुझे बताइए कि सुंदर ठाकुर जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि ये ढिंका चिका करके चुनाव नहीं जीता जाता है। कंगना जी के नाम से खौफ हो गया है, उनको ये लग रहा है कि कंगना जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी है, तो इसलिए यहाँ से हमारा जीतना बहुत मुश्किल है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकती है। इसलिए जो कंगना जी के नाम से उनको वो फोबिया हो गया है, हार का डर हो गया है, उस नाते ऐसे बखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो एक नारी है, तो मुझे लगता है कि वो यहीं से अपना जो है मंडी से ही बिलोंग करते हैं, हमारे एरिए से है, और मुझे लगता है कि जो यहाँ की जो स्थिति है, जो हिमाचल की स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पे क्लाइमेट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या यहाँ की मुश्किलें हैं, मुझे लगता है कि वो भली भांति इस बात को समझ पाएगी। देवनगरी में 1 जून को वोटिंग होगी और उसके लिए कंगना रनौत पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना गांव से लेकर कस्बे, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक से संवाद कर रही हैं। कंगना रनौत का काफिला पहुंच गया है कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में, बजौरा इलाका है ये, जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लोग उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े हैं। कंगना रनौत यहां पर पहुंच गई हैं, स्वागत के लिए यहां पर लोग जुटे हुए हैं, पहले से ही बहुत देर से इंतजार कर रहे थे लोग। जब से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है उसके बाद जिस तरह से वो अलग अलग इलाकों में जा रही है, लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रही है। इसके बाद वो मनाली जाएंगी, मनाली में उनके उनका स्वागत समारोह भी है, उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगी।